यानी वो सात आयतें जो मुकर्रर दोहराई जाएं। और चूंकि नमाज में हर नमाज में दो मरतबा ये सूरा दोहराया जाता है, यानी सात सात आयतें दोहराई जाती हैं, इसलिए सूरह हिजर में इसका तस्करा दिया, लकद आतैना का सब अम मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम, हबीब हमने तुम्हें सब मसानी अता किए और कुरान मजीद को अता किया। यानी ये इतनी अहम शय है सूरह हम्द, ये सात आयतें इतनी अहम है कि कुरान का तस्करा अलग है और इन सात आयतों का तस्करा अलग है। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि परवरदिगार आलम ने इस सूरह मुबारका को जो अहमियत दी है उसका सबक क्या है। पहली आयत जो कुरान मजीद की वाकई हर एतबार से पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह मुबारका ने फौरन बाद कहा अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का, सारे जहानों का और सारी कायनात का पालने वाला है। फौरी तौर पर इस मकाम पर जो सवालात ज़हन इंसानी में पैदा हो सकते हैं वो दो सवाल, मैं हम के मानी तारीफ, हम के मानी शुक्रिया, तारीफ कर रहे हैं मकाम शुक्र में, हम दे अल्लाह की। तो फौरी तौर पर इंसान के जहन में दो सवाल पैदा होंगे कि भाई जिस अल्लाह की आप हम कर रहे हैं वो है भी या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो जहन इंसानी में आएगा कि होगा भाई हम क्यों हम करें, हमारा उससे ताल्लुक क्या है। खुदा की कसम यही बलागत कुरानी का एजाज है कि इधर आपके जहन में दो सवाल पैदा हुए और उधर कुरान मजीद ने उन्हीं लफ्जों में जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह हम दे अल्लाह की। सवाल आया जहन में कि भाई है भी या नहीं, फौरन जवाब दिया ये अल्लाह वो है जो आलमीन का पालने वाला है। भाई फजा में अगर बॉल को फेंको तो जब तक तुम्हारे हाथ का फोर्स बाकी रहेगा उस वक्त तक बॉल फजा में रहेगी, गेंद फजा में रहेगी, जिस वक्त फोर्स खत्म हुआ वो जमीन पे आ जाएगी, है या नहीं। तो एक है इल्लत इजाद और एक है इल्लत बका, ये दो चीजें जरा सा तवज्जो की तलबगार है। इल्लत इजाद का मतलब एक आदमी ने एक शेयर कर दिया, ये मेज बना दी एक इंसान ने, अब वो ठेकेदार तो नहीं है कि इस मेज को बाकी भी रखे, हो सकता है पानी से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से, किसी चीज से टूट जाए, तो बनाने वाले का काम बना देना है, बाकी रखना उसे मेंटेन करना ये बनाने वाले का काम नहीं है। तो कह सकता था कोई कि कायनात का कोई खालिक होगा लेकिन क्या जरूरी है कि अब वो हो, मुमकिन है मर चुका हो, कहा नहीं वो रब्बुल आलमीन है। इस वक्त अगर मरीख, जोहरा, उतारुद, सूरज, चांद, जमीन ये सब बाकी है तो कोई इनका बाकी रखने वाला मौजूद है। पहला सवाल जो जहन इंसानी में आ सकता था कि भाई वो है या नहीं, उसका जवाब दिया कि रब्बुल आलमीन, अगर आलमीन कायम है तो उसका रब कायम है और बाकी है। दूसरा सवाल कि भाई होगा, हम उसका शुक्रिया अदा क्यों करें, उसका जवाब उसके आगे बढ़ के दिया कि अर्रहमान रहीम, ये दुनिया में भी नेमतें देने वाला है और आखिरत में भी नेमतें देने वाला है, तो अगर नेमत की तमन्ना है तो हम करो और नेमत की तमन्ना नहीं है तो हम न करो। अब एक सवाल फिर जहन इंसानी में पैदा हुआ कि भाई नेमत की तमन्ना, नेमत तो दे रहा है ना वो, अब तमन्ना करें जब भी देगा और न करें जब भी देगा, जरूरत क्या है कि हम उसकी हम करें। होगा, यकीनन होगा, हमने तस्लीम कर दिया और वो दुनिया में नेमत दे रहा है, लेकिन ये कि हम उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें हमें उससे फायदा क्या पहुंचेगा। फौरन बात कहा, देखिए आयतों का दूसरी आयतों से फौरन बात कहा मालिक यौमिद्दीन, ये नेमतें फकत दुनिया में खत्म नहीं होंगी, नेमतों का सिलसिला क्यामत तक जाने वाला है, वो यौमिद्दीन का मालिक है। तो अब अगर क्यामत में लाजवाल नेमतें चाहिए, लाजवाल नेमतें चाहिए तो उसकी हम करो, नहीं चाहिए तो ना करो। अब फिर एक सवाल जहन इंसानी में पैदा हो सकता था और बड़ा अजीब गरीब सवाल, के हम के लिए हम तैयार हैं, हम उसके हम के लिए तैयार हैं, लेकिन हम का वो सलीका क्या हो, वो तरीका क्या हो जो उस खालिक को पसंद हो। तो फौरन जवाब आया इयाक नअबुदु, परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, इबादत के जरिए तेरी हम को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। अब फिर जहन इंसानी में सवाल पैदा हुआ तो उस इबादत के तरीके को कौन बतलाए, इयाक नस्तईन, परवरदिगार मदद भी तुझसे है, तरीके इबादत तू बतला दे। अब परवरदिगार तरीके इबादत को बतलाए तो कैसे बतलाए, तो अब फिर फौरन एक दुआ दे दी, एहदिनस सिरात मुस्तकीम, दुआ मांगो हमारी बारगाह में कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत कर, सीधे रास्ते की तरफ हमारी हिदायत कर। जब सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की दुआ दे दी तो जब भी हिदायत आएगी, जब भी कोई हिदायत परवरदिगार की तरफ से आएगी तो अवामुन्नास में और इंसानों में दो मुतजाद रद्द अमल पैदा होंगे। देखिए अब आयत का इख्तिताम हो रहा है,
جب بھی ہدایت آئے گی پروردگار کی طرف سے تو انسانوں میں دو متضاد رد عمل پیدا ہوں گے. کچھ لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے, کچھ لوگ اس ہدایت کو ٹھکرا دیں گے. جو قبول کرنے والوں میں ہوں گے ان کا نام ہے انعمت علیہم, اور جو ٹھکرانے والوں میں ہوں گے ان کا نام مغضوب علیہم اور ضالین.